दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की सरल साधना के बारे में। कई लोगों का ऐसा कहना था कि भगवान कृष्ण की ऐसी सरल साधना बताइए जो बहुत ही आसान हो और कोई भी इसे कर सके, क्योंकि भगवान कृष्ण से संबंधित चीज़ों के बारे में कभी वर्णन कम ही आता है कि उनकी सिद्धि से संबंधित चीज़ें और उनकी भक्ति से संबंधित ज़्यादातर बातें आती हैं, लेकिन सिद्धि के संबंध में सरल से सरल साधनाओं के विषय में बहुत ही कम ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज़्यादातर हम लोग जानते ही हैं कि कोई भी चालीसा साधना हो, दोहा के रूप में, चौपाई के रूप में जब साधना की जाती है तो वो बहुत ही सरल होती है, और चौपाई या दोहे के रूप में जब साधना होती हैं तो वो सरल भाषा में होती हैं, वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसके आधार पर बनी हुई होती हैं, तो काफ़ी सरल पड़ती हैं इस तरह की साधनाएँ। तो आज मैं जो है आपके लिए भगवान कृष्ण की ही चौपाई या चालीसा साधना लेके आया हूँ। ये साधना बहुत ही सरल है और इसमें उनके मंत्र जो है वो भी जुड़ा हुआ है, संपुट है, इसलिए इसको बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है, कुछ विशेष तरह के प्रबंध की आवश्यकता नहीं है। ये कैसे किया जाता है इसके बारे में भी आज के वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोहे को पढ़ते हैं, उसके बाद इनकी जो चौपाई है उसको पढ़ते हुए संपुट वाले मंत्र को लगाते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे और फिर जानेंगे कि इस साधना को, इसकी जो विधि है वो किस तरह से इसको किया जाता है। तो जो भगवान कृष्ण का दोहा आता है वो इस तरह से होता है, वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिंबाफल नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंदर मुख पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। तो हमेशा दोहे से ही शुरू करना चाहिए और ये ध्यान स्वरूप भी होता है, यानी कि ध्यान मंत्र भी इसे कह सकते हैं, जो सरल भाषा में दोहे के रूप में वर्णन किया गया है या लिखा गया है। तो अब इनकी चौपाई किस तरह से पढ़नी है वो मैं आपको सुनाता हूँ और इसी तरह से आप इसको जाप करना है, जिससे जय भगवान कृष्ण की प्रसन्नता आपको बहुत ही जल्दी हो मिलेगी। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वासुदेव देवकी नंदन ओम क्लीं कृष्णाय नमः जय यशोदा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के द्रग तारे ओम क्लीं कृष्णाय नमः जय नट नागर जय नागनथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया ओम क्लीं कृष्णाय नमः पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो ओम क्लीं कृष्णाय नमः वंशी मधुर अधर धरि तेरी होवे पूर्ण मनोरथ मेरो ओम क्लीं कृष्णाय नमः आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो ओम क्लीं कृष्णाय नमः गोल कपोल चिबुक अणुरारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे ओम क्लीं कृष्णाय नमः रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला ओम क्लीं कृष्णाय नमः कुंडल श्रवण पीठ पट आक्षे कट किंकड़ी काछन काछे ओम क्लीं कृष्णाय नमः नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे ओम क्लीं कृष्णाय नमः मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले ओम क्लीं कृष्णाय नमः करिपय पान पूता नहि को तारयो अका बका कागा सुर मारयो ओम क्लीं कृष्णाय नमः मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला भय शीतल लखि तहि नंदलाला ओम क्लीं कृष्णाय नमः सुरपति जब ब्रज चढ़य रिसाई मसूर धारवारी वर्षाई ओम क्लीं कृष्णाय नमः लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नख धारी बचायो ओम क्लीं कृष्णाय नमः लखि यशोदामन भ्रम अधिकाई मुख मह
14 भुवन दिखाई। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। नाथि कलियहि तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। केतिक महा असुर संहारयो, कंस ही केस पकड़ दई मारो। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहूं राज दिलाई। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। महिषे मृतक चहो सुतलायो, मातु देवी की शोक मिटायो। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाये षटदश सहस कुमारी। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। दैबीन तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल तीन मूठ मुह डार्यो। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। भारत के पारत रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बलताके। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। निज माया तुम विदही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। तव शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीना नाथ लाज अब जाई। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। तुरत तही बसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरिमुह काला। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। अस नाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। सुंदर दास आस उर्धारी, दया दृष्टि की जे बनवारी। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। नाथ सकल मह कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। और इसका जब दोहा पढ़ा जाएगा, यह कृष्ण चालीसा का पाठ करे उर्धारी, अष्ट सिद्धि नव निधि फल, लहे पदार्थ चारी। तो इस प्रकार से जो है पूरा का पूरा चौपाई और दोहा जो समाप्त किया जाता है, इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। और इसमें जो है संपुट लगा हुआ है, इसलिए यह पूर्णतः मंत्र का काम करता है, जिससे इसकी जो है जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो इसका जो विधान है उसके संबंध में जो बताया गया है, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको कि किस तरह से आपको इनका जो विधि विधान है, पाठ है, उस करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप ये जो पाठ है ये आपको सुबह और शाम जपना होगा, और दोनों समय आपको इसकी 108 बार जाप करना, यानी कि एक माला 108 बार जाप करना है। आप इसमें वैजयंती की माला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं, या फिर जो है किसी पीली माला से भी कर सकते हैं। तो पीली माला से करने पर भी उतना ही फल प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण को, क्योंकि उनका पीले वस्त्र होते हैं, पीला आभूषण होते हैं, इसीलिए उनको पीतवर्णी माला ही पसंद होती है ज़्यादा, तो वो से भी आप जाप कर सकते हैं। तो ये तीनों मालाओं में से कोई सभी जो आपकी सुविधानुसार उससे आप जाप कर सकते हैं। कहते हैं सुबह और शाम अगर इसका व्यक्ति प्रतिदिन पाठ करता है 108 बार, तो भगवान कृष्ण का पार्षद बनने का उसको सौभाग्य प्राप्त होता है। यानी भगवान कृष्ण का साक्षात पार्षद बनना बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। वो कृष्ण लोक में निवास करता है, भगवान कृष्ण के साथ रहता है, इसलिए पार्षद बनने का जो सौभाग्य है वो प्राप्त कर लेता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है एक वरदान है। आप अगर कोई नियमित रूप से इसे 108 सुबह और शाम पढ़ता है, पूरी जिंदगी इस तरह पाठ करता है। सिद्धि के लिए क्या प्रयोग करेंगे? सिद्धि के लिए आप रात्रि को 12 बजे ही इसका रोज जाप को आपको करना पड़ेगा।
कमरे को पूरी तरह से शुद्ध और साफ कर लीजिए और एकांत कमरा होना चाहिए, वहां पर किसी का प्रवेश ना होने दें। जब तक कि ये साधना चलती है तब तक किसी भी प्रकार से, खासतौर से किसी स्त्री का, या दूषित वस्तु, दूषित चीजें, या किसी भी प्रकार से, क्योंकि सात्विक साधना होती है भगवान कृष्ण की, पूरी तरह से सात्विक ही आपको रहना है, उसी में आपको साधना करनी होती है। तो सात्विकता का पूरा ख्याल रखिए और मन वचन कर्म सब प्रकार से आपको शुद्ध रहना है। तो इसके लिए आपको रात को 12 बजे एकांत कमरे में शुद्ध पीले वस्त्र आपको पहन लेने हैं, नहा धोकर के। उसके बाद भगवान कृष्ण की जो मूर्ति स्थापित की है चौखट पे, या जिसे कहते हैं बाजोट पे स्थापित करके, लाल कपड़ा बिछा करके उसको, भगवान कृष्ण की जो मूर्ति स्थापित की, उसको आपको पीले फूलों की माला को पहनाना है। और फिर माला पहना करके आपको उनसे आज्ञा लेनी है कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए और सिद्धि के लिए मैं यह जाप करने जा रहा हूँ। तो आपको रोज इसकी जो है एक माला जाप करना है और आज्ञा लेकर के फिर 40 दिनों तक इसी प्रकार आपको साधना करनी है अखंडित। और भगवान कृष्ण के आगे जो है दीपक, जो दिया जलाएंगे, वो तब तक अवश्य जलता रहे जब तक कि भगवान की साधना समाप्त नहीं होती है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए साधना करेंगे। अब रही बात की 40 दिन आपको ये साधना करनी है। ब्रह्मचर्य जो है आपको इसमें बहुत ही कड़ा रखना होता है, क्योंकि ये सात्विक साधना है और सात्विक साधनाओं में हम मानसिक भी जो है ब्रह्मचर्य नहीं त्याग सकते हैं। यानी कि किसी स्त्री के बारे में अगर कामुक विचार आ रहे हैं या किसी गलत चीज़ के बारे में आपके विचार आ रहे हैं, तो उनको भी आपको मन में नहीं लाने देना होता है, तभी इसकी सिद्धियाँ मिलती हैं और निश्चित सिद्धि प्राप्त होती है, स्व सिद्धि। अगर मानसिक ब्रह्मचर्य कोई किसी तरह से 40 दिन धारण कर लेता है तो उसे फिर कोई नहीं रोक सकता सिद्धि प्राप्त करने से। तो ये क्योंकि सात्विक साधनाओं में हमें मानसिक रूप से भी, सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, यहाँ पर आपको मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और कर्म के रूप में भी, तीनों प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसमें कोई भूल नहीं होनी चाहिए, तभी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। हाँ, अगर ये कोई सोचता है कि उससे कोई गलती हो जाती है, मानसिक रूप से भंग कर देता है, तो कोई बात नहीं है, उसमें उसको सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा अवश्य बनी रहेगी। इसके बाद आपको 41वें दिन जो है इसका दशांश हवन कर लेना है। तो इससे आपको, इस प्रकार से अगर आप कर लेते हैं तो आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है, भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण आप सदैव आपके साथ, आपकी सहायता करते रहते हैं और उनकी कृपा से आपके जो भी काम होते हैं वो बनते चले जाते हैं। तो ये एक बहुत ही सरल और शुद्ध साधना है। कोई 10 वर्ष का बालक या बालिका भी इस साधना को कर सकती है और कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी करता है। उसके लिए ना तो आपको किसी विशेष प्रयोजन की आवश्यकता है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले गुरु मंत्र का जाप करें, सबसे पहले गणेश जी का जाप करें, गुरु मंत्र का जाप करें, भगवान शिव के का भी नाम ले लें और उसके बाद फिर भगवान कृष्ण के इस मंत्र का जाप करें। तो ये बहुत ही सरल विधि से ऐसे बाकी साधनाएं की जाती हैं, ठीक उसी तरह से करना है और बहुत ही सरलता से इस साधना को किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है बिना किसी डर भय को मन में लाए हुए, क्योंकि ये कोई तांत्रिक साधना नहीं है, पूर्ण शुद्धिता वाली सात्विक साधना है। लेकिन अगर आप इसमें मानसिक ब्रह्मचर्य भी कायम रख पाते हैं 40 दिन तक, तो आपको सिद्धि अवश्य मिल जाती है। तो ये थी भगवान कृष्ण की साधना। अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।